ये कि आप देख रहे हैं, हम दुबे परिवार के आवास पे आए हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कि सुहेल देव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जिनसे हम घटना के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे और क्या न्यायिक प्रक्रिया अभी चल रही है उसके विषय में भी हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं। देख पा रहे हैं कि सर वहाँ से आ रहे हैं। सर घटना के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर रही है जाँच में, वो सच सामने आ जाएगा, सच सामने बिल्कुल आ जाएगा। और भी लोग हैं यहाँ पे। सर इसमें एक सवाल उठता है कि इस मामले को भी जाति से जोड़ करके देखा जा रहा है, यादव और ब्राह्मण को जोड़ करके, ये कहाँ तक सही है? इसको आप लोग दिखा रहे हो, सरकार के तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, कुछ मंत्री नेता आ रहे हैं जो अलग अलग पार्टियों से हैं, वो लोग भी जाति देख करके भेदभाव कर रहे हैं। वो अपना मतलब उनका भी मीडिया से ही बात तभी कर रहे हैं जब उनको लग रहा है कि ये भाजपा वाले नहीं है, ये मतलब उनको भी हम लोग को भी भाई बांट दे रहे हैं कि ये लोग जातिवाद कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को क्या समझा आपने? नहीं सर, आपके बारे में नहीं, अच्छा ये बताओ दुनिया में लोग चोरी कर रहे हैं तो हम क्या करें? दुनिया के तमाम उसमें कुछ लोग हैं जो डकैती कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग लोग बयान दे रहे हैं तो उसे हम उस बयान से हम क्या समझें? सर इस गांव में जमीनी विवाद मेजर प्रॉब्लम है, मतलब और लोगों के साथ भी है, तो इसको लेकर अब आगे क्या एक्शन हो रहा है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के लिए आदेश दे दिया है, उसमें जांच हो रही है। प्रथम दृष्टिया में मैं फिर कह रहा हूँ कि जो संबंधित अधिकारियों का जो दोष पाया गया उसमें 15 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, ये सब लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? यादव हम जा रहे हैं, हम उनके पास बिल्कुल जाएंगे। तो यहाँ आपका कैसा, आपका यहाँ पर आए क्या मैसेज रहा? देखिए दुखद घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अब घटना घटित हो गई है तब उसमें त्वरित न्याय मिले। सर जिस प्रकार यहाँ के जो विधायक है देवैया के शलभमणि त्रिपाठी, वो इस मामले को लेकर काफ़ी एक्टिव है और दुबे के साथ उनकी फैमिली के साथ हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने प्रण लिया है कि भाई आखिरी दम तक जो है इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, सबका अपना अपना मत है, अलग अलग सोच है जी। और हम भी तो वही बात कह रहे हैं कि न्याय मिले और जो जाँच में आएगा दोनों पक्षों के विवाद। घर पर बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, कब होगा ये? अभी तो मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, वो आप लोगों के माध्यम से ये चर्चा की जा रही है। नोटिस तैयार चिपकाया गया है, आपने नोटिस पढ़ी है? नोटिस में ये पूछा गया है कि आप इसका 7 तारीख को न्यायालय आके जवाब दीजिए, क्या आप गांव सभा या सरकारी जमीन में बसे हैं कि नहीं बसे हैं, इसीलिए नोटिस है। जवाब देने के लिए जब परिवार पहुंचा था तहसील पर तो लगभग 1 से 1.5 घंटा जो उनको वेट कराया गया, तहसीलदार पहुंचे नहीं समय पर। भाई हो सकता है कहीं मीटिंग में हो, कोई बात हो, अगर हमारा काम है, अधिकारी अगर मौके पर नहीं है तो हम वेट नहीं कर सकते, हमारी भी तो ड्यूटी है कि हमारा काम है तो हम इंतजार कर ले। तो अभी तो देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जांच हो रही है, जांच से पूरा खुलासा हो जाएगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। सर न्यायिक कार्य जो अभी चल रहा है सर, उसके विषय में क्या कहेंगे?